हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपको हमारी मेडिसिन के मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर आप न्यू फ्रेंड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो फ्रेंड कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। दोस्तों कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम या इलाज के लिए कोई खास दुआ नहीं है। लोगों को सांस लेने में मदद करने के लिए मामूली देखभाल की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पैदा होने वाला नमूना है जो एक अब तक आलमगीर वबा बन चुका है। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस के इलामत आपको मैं बताता हूँ कि इससे क्या क्या बीमारी होती है और कैसे पता चलता है कोरोना वायरस। दोस्तों जिसको कोरोना वायरस होगा उसको खुश्क खांसी होगी और उसको नज़ला ज़ुकाम होगा, बुखार भी तेज़ होगा उसको, वोमिटिंग उल्टी के आएगी उसको, और दोस्तों उसको डायरिया असहाल होंगे, लूज मोशन जिसको बोलते हैं, और दोस्तों उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। और दोस्तों कोरोना वायरस का वह इलाज सिर्फ एहतियात है। वीडियो को सब्सक्राइब मत करें, पूरा देखें। अब मैं आपको इसके एहतियात बताऊंगा। ये दोस्तों हैंड सैनिटाइज़र से 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से धोएं और एक दूसरे से कम 3 फुट या 1 मीटर का फासला रखें। दोस्तों हाथ मिलाने और गले मिलने से मुकम्मल प्रेस करें। नज़ला ज़ुकाम या खांसी से मुतासर अफराद से दूर रहें। खांसी या छींक की सूरत में मुंह और नाक को कहने से ढांपें या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। फेस मास्क सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपको इर्द गिर्द किसी अफराद को नज़ला ज़ुकाम या खांसी की शिकायत हो। अगर तबीयत नासाज हो तो घर पर रहें और लोगों का जहां हजूम हो रश हो वाली जगह पर जाने से बिल्कुल परहेज करें। बलाए ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और अपना एहतियात कीजिए, घर निकलने से परहेज करें। जी दोस्तों ये थे कोरोना वायरस के एहतियात और परहेज। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए और ज़िंदगी से प्यार कीजिए। हमेशा खुश रहिए, हंसते खिलते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।